हाय गाइस, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपनी चैनल टेक्नोलॉजी पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो रेनो 5 प्रो का। और ये जो डिवाइस है ना, बहुत ही मस्त सा डिवाइस है। तो ये दोस्तों डायमंड सीरीज 1000 प्लस चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ था, जो कि इंडिया में पहला चिपसेट था इस फोन में देखा गया था। और दोस्तों इस फोन में बहुत ही सारे ऐसे ऐसे फीचर्स है जो कि आपको आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑनेस्ट रिव्यू करके इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले, चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हो को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो आपको हर वक्त मिलते रहे जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें। सो गाइस, चलिए आज के जो वीडियो है शुरुआत कर लेते हैं। सो गाइस, ये हमारा ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G का ब्रांड बॉक्स आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो सील है इसको ओपन कर लेते हैं। और आप भी अपना काम करो, चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन में जो ऑल ऑप्शन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग में डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा है, और इसको साइड में रख देते हैं। सो गाइस, देख सकते हो आप लोग पूरा ब्लैकिश टाइप का है, और चारों तरफ आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक देता है। आप इसको साइड में भी रख देते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको यहाँ पे कोई केस भी दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, इसको ओपन भी कर लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं। और आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शायद दिया जा रहा है, जैसे कि हर स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डॉक्यूमेंट्रीज और सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे आपको मिल जाता है, साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री कार्ड वगैरह मिलता है, जैसे कि ओप्पो देता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री कार्ड। देन यहाँ पे आपको गाइस ये केस भी देखने के लिए मिल जाता है, केस का क्वालिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, इसको भी साइड में रख देते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा जो मेन हाईलाइट है ये स्मार्टफोन, और अंदर क्या क्या दिया गया है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखो गाइस, यहाँ पे आपको एक डैश चार्जर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये मुझे लगा है, आपको एक ईयरफोन देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी के दिनों में देखने के लिए नहीं मिलता। तो इस ईयरफोन के बारे में भी बात करेंगे, साइड में अभी फिलहाल रखते हैं। और यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट शायद देखने के लिए मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो गाइस टाइप सी पोर्ट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है ओप्पो का। और इस चार्जर के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको गाइस 65 वाट का वूक सुपर चार्जर देखने के लिए मिलता है ओप्पो की तरफ से। और ये करीब करीब आपके फोन को 30 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे लगा है। सो गाइस, इस हेडफोन को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्योंकि हेडफोन अभी बहुत ही स्मार्टफोन्स में मिसिंग रहता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वीवो के जो एयरफोन्स आते हैं बिल्कुल वैसा ही देखने के लिए लगता है एयरपॉड्स की तरह। और यहाँ पे यूएसबी टाइप सी आपको पोर्ट देखने के लिए मिलता है, आप गाइस गौर से देख सकते हो। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलता। फिलहाल एयरफोन का जो क्वालिटी है, वायर का क्वालिटी अच्छा खासा है। यहाँ पे आपको कुछ माइक्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं गाइस, आप लोग गौर से देख सकते हो। सो अभी चलते हैं हमारे मेन हैंडसेट पे, और यहाँ पे इसको सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। और आप लोग गाइस देख सकते हो इसका जो क्वालिटी है बिल्कुल प्रीमियम टाइप का देखने के लिए लगता है। और ये ब्लैक कलर का आता है दोस्तों, इसका और एक भी वेरिएंट आपको ब्लू कलर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीछे का डिजाइन यार बहुत ही मस्त सा लगता है। जो ब्लू कलर वेरिएंट है उसमें आपको कुछ डायमंड टाइप के शेप्स देखने के लिए मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का जो ग्लास है वो देखने के लिए मिल जाता है, प्रीमियम सा लुकिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है। ओवरऑल गाइस इन हैंड फील मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए गाइस इसके पोर्ट के बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस आपको सबसे ऊपर में डिजाइन फॉर रेनो नाम से लिखा आता है, ये डिजाइन है। और यहाँ पे आपको मोनोस्क्रोम स्पीकर देखने के लिए मिलता है। इस साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे गाइस आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे के साइड में अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर ग्रिल, एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट, साथ ही साथ मोनोस्क्रोम स्पीकर, और यहाँ पे आपको कुछ सिम इजेक्टर जो पोर्ट्स होते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इस साइड के बारे में बात करें, इस साइड में आपको दो पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलता है। साथ ही साथ अगर पीछे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे में ग्लास बॉडी आपको मिलता है। इस साइड में दोस्तों ओप्पो का जो ब्रांडिंग है आपको देखने के लिए मिल जाता है, पीछे का जो बॉडी है पूरा ग्लास है। साथ ही साथ अगर कैमरास के बारे में बात करें, इसके बारे में डिटेल में लास्ट में बताऊंगा, आप देखते जाइए वीडियो। और यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, यहाँ पे आपको बराबर 3 सेंसर मिल जाता है। साथ ही साथ साइड में और एक क्वाड कैमरा आपको मिलता है, यहाँ पे फ्लैश है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है दोस्तों 64 मेगापिक्सल AI कैम, आप लोग गौर से देख सकते हो। तो चलिए इसको फटाफट से बूट भी कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन।
सो गाइस फर्स्ट लुक और इंप्रेशन के बारे में बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो पूरा टोटली पीछे का जो ये डिजाइन है और ये जो बॉडी है आपको ग्लास बॉडी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो फ्रेम दिया गया है कैमरा का, कैमरा हाउसिंग में, ये भी दोस्तों कांच का ही फ्रेम है और बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी लगा है। हैंड में होल्ड करते हुए सच में यहाँ पे यार प्रीमियम सा फील होता है, जैसे कि कोई फ्लैगशिप डिवाइस, तो ऑब्वियसली फ्लैगशिप ही है। तो यहाँ पे सामने के साइड में भी आपको 6.5 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है और ये जो डिस्प्ले है एमोलेड होने के बावजूद भी यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया है। कर्व डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, इसके बारे में आगे जाके और भी बात करेंगे। सो गाइस इन हैंड फील मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और फर्स्ट लुक के बारे में बात करें, एक और ऐसे कलर में आता है बॉक्स के कलर में, वो भी यार बहुत ही मस्त सा लगता है देखने में। वैसे गाइस ये ब्लैक कलर भी ना बहुत ही प्रीमियम है, आपको क्या बताओ। वैसे नीला जो कलर है उसमें आपको कुछ छोटा छोटा डायमंड टाइप का यहाँ पे डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें भी ना बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में ये जो स्मार्टफोन है तगड़ा लगा है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का फिल्म पहले से ही लगाया हुआ दिखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैंने अनबॉक्सिंग करते वक्त नोटिस कर लिया था। और पीछे के साइड में गाइस यहाँ पे आपको एक कवर भी दिया जा रहा है, मतलब एक केस है। केस का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हो प्रीमियम सा यहाँ पे केस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं कहूँ कि केस पहनाने के बाद कैसा लगता है देखने में, तो आप लोग गाइस देख सकते हो, मतलब लिटरली यहाँ पे गाइस जो प्रीमियम फीलिंग है केस पहनाने के बाद भी, ये जो केस है बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको प्रीमियम फील देता है। मतलब इनहैंड फील में ना आप लव में गिर जाओगे, ये जो स्मार्टफोन का इनहैंड फील है बहुत ही प्रीमियम है। अब अगर स्क्रीन के बारे में बात करें तो पहले ही बताया यहाँ पे आपको एक 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 90 हर्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों आपको 180 हर्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे गाइस HDR10 का भी सपोर्ट इस डिस्प्ले में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप लोग देखो ये जो डिस्प्ले है बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले निकल के आता है। और अगर बेजिल्स आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे बेजिल्स आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, नीचे का चिन्ह तो है ही नहीं, मतलब फुल व्यू डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऊपर में एक कॉर्नर में छोटा सा पंचोल देखने के लिए मिलता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा सा पंचोल इन्होंने नहीं दिया। साथ ही साथ यहाँ पे मैं डेलाइट कंडीशन में भी इसको यूज किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सुपर एमोलेड होने के नाते बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो डिस्प्ले वाइज अगर मैं इसको वोट करूँ तो यहाँ पे मैं पांचों में इसको पांच ही दूंगा। इसके डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले आता है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब कर्व डिस्प्ले बहुत ही कर्व नहीं है, माइनस से कर्व आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो गेमिंग करते वक्त भी आपको यहाँ पे कर्व एजेस होने के नाते भी कोई भी दिक्कत आपको डिस्प्ले में नहीं मिलने वाला है दोस्तों। परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, यहाँ पे आपको इंडिया का फर्स्ट Dimensity 1000 प्लस का चिपसेट देखने के लिए मिलता है। हालांकि यहाँ पे Realme X7 Pro 5G में भी ये वाला चिपसेट देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये दोस्तों Oppo का फ्लैगशिप डिवाइस है, इसमें सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया गया था। वीडियो में थोड़ा डिले दे रहा हूं, आपको पता ही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है, UFS 2.1 का सपोर्ट है, LPDDR4X रैम का भी फैसिलिटी मिलता है। अगर AnTuTu बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करें तो 480,000 के आसपास इसका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आता है। MediaTek Dimensity 1000 प्लस का चिपसेट ये जो है, और बहुत ही अच्छा आप लोग गेमिंग वगैरह कर सकते हो। अगर गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हो ऑब्वियसली जा सकते हो, इसमें आपको कोई भी यहां पे डिले वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपको फ्रेम रेट भी बहुत ही अच्छा इस चिपसेट में देखने के लिए मिल जाता है और यहां पे आपको GPU भी तगड़ा मिल रहा है। तो गेमिंग और डेली लाइफ यूजेस में जो आप गेम खेलते हो आपको कोई भी दिक्कत इसमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला, चिपसेट यार बहुत ही तगड़ा है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा ही आपको फीलिंग दे देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओप्पो ने आपको जो बैटरी दिया है थोड़ा सा बड़ा बैटरी दिया है, यहाँ पे 4000 mAh से इन्होंने बढ़ा के 4350 mAh का बैटरी दे दिया है। साथ ही साथ USB टाइप सी का भी सपोर्ट मिलता है एंड 65W का सुपर डार्ट चार्जर भी ओप्पो ने डाल दिया है अपने इस ओप्पो रेनो 5G डिवाइस के अंदर। साथ ही साथ अगर बात की जाए चार्जिंग के बारे में तो यहाँ पे 0 to 100% चार्ज होने में ओनली फॉर 30 मिनट्स लगते हैं दोस्तों। 30 मिनट के अंदर आप अगर कहीं से घूम के आते हो चार्जिंग में लगा के आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों ओप्पो का जो फ्लैश चार्ज 2.0 टेक्नोलॉजी है बहुत ही तगड़ा है, आप चार्जिंग में लगाओ जहां से भी घूम के आओ चार्जिंग यार आधा घंटे के अंदर ही फुल हो जाएगा। तो चार्जिंग और बैटरी लाइफ में ये जो डिवाइस है बहुत ही तगड़ा डिवाइस है। अब दोस्तों स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर के बारे में बात करें तो ये है दोस्तों स्मार्टफोन का कैमरा। आप अगर गौर से इसके पीछे के साइड में देखो तो कैमरा बहुत ही अच्छे से सजाया गया है दोस्तों। 3 सेंसर्स को यहाँ पे बड़े
इसे हाईलाइट किया गया है। साथ ही साथ एक मैक्रो सेंसर को आपको छोटा वाला देखने के लिए मिल जाता है, नीचे में एक फ्लैश भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स में काम आते हैं। और यहाँ पे ये जो फोटोग्राफ्स मैंने खींचा है रियर सेंसर से, आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे अलग अलग फोटोज मैंने खींचा है 64 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट का। यहाँ पे AI कलर पोर्ट्रेट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको सामने के साइड में 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ओप्पो का AI सेल्फी कैमरा है। और यहाँ पे ये जो सेल्फी कैमरा है, इसका भी ना फोटोज बहुत ही मस्त सा निकल के आते हैं, शार्पनेस यार बहुत ही है, आप लोग देख सकते हो। कोई सेल्फीज मैंने खींचा था यहाँ से थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे डायनामिक रेंज भी आसमान का बहुत ही अच्छा आ जाता है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे कैमरा के मामले में अगर बात की जाए, रेयर सेंसर हो या सामने वाला सेंसर हो, बहुत ही तगड़ा सेंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। अब गाइस यहाँ पे कुछ वीडियो फीचर्स के बारे में बात करें, तो स्मार्टफोन में आपको दोस्तों 4K at 30 FPS वाला फीचर देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ AI नाइट लाइट वीडियो वाला भी फीचर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो बोके भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा HDR वीडियो लाइटिंग वाला फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप लाइट में से कहीं भी वीडियो निकालते हो तो वो लाइट यार धुंधला सा हो जाता है, लेकिन इस स्मार्टफोन से अगर आप किसी भी लाइट में ले जाते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, तो वो लाइट के अंदर भी जाके आप उस वीडियो को शूट कर सकते हो। तो ये वाला फीचर बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। अदरवाइज गाइस यहाँ पे आपको और भी सारे बहुत ही सारे AI कलर पोर्ट्रेट, मतलब जैसे ओप्पो में आते हैं, मोटोरोला के फोन में भी आते हैं, तो AI कलर पोर्ट्रेट आप लोग देख सकते हो। एक दो फोटो मैंने खींचा था, अच्छा खासा निकल के आता है। इसके अलावा दोस्तों कैमरा में आपको और भी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डुअल वीडियो मोड देखने के लिए मिल जाता है, डुअल वीडियो व्यू से आप बहुत ही अच्छा वीडियो निकाल सकते हो, सामने और पीछे के कैमरा से एक साथ आप लोग वीडियोग्राफी कर सकते हो। पोर्ट्रेट व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अल्ट्रा स्टेडी मोड, 960 FPS से स्लो मोशन, और साथ ही साथ 108 MP वाला शॉट भी आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए, ये 64 MP है, लेकिन 108 MP क्यों दे दिया मालूम नहीं। वैसे गाइस अगर आप कैमरा सेंटिक कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, जरूर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस कैमरा को 5 out of 5 ही दे दूंगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा है मुझे इसका कैमरा, क्लियरिटी यार तगड़ा आता है, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन और OS के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि कलर OS 11 के साथ बेस्ड है। अगर आप लोग गौर से देखो, कलर OS 11 यहाँ पे एक टॉप एंड्रॉइड OS था दोस्तों 2020 का। अभी भी दोस्तों ये जो OS है बहुत ही अच्छा रन करता है, और यहाँ पे आपको कोई भी लैगिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत ही तगड़ा इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है। साथ ही साथ अगर इसके साथ आपको MediaTek Dimensity 1000+ का चिपसेट मिल जाए, तो ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस आपको दे देता है। डेली टू डेली लाइफ यूजेस में बहुत ही तगड़ा आपको परफॉर्मेंस मिलता है, ये कैमरा सेंट्रिक होने के नाते भी इसका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त आपको मिल जाएगा। अभी आप दोस्तों कुछ मल्टीमीडिया फंक्शंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे पहले स्पीकर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, डुअल स्पीकर इसमें नहीं दिया गया, लेकिन इस स्पीकर में डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक गाना भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपने सुन लिया, स्पीकर बहुत ही लाउड है, कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक 4K वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, इसका क्वालिटी कैसा है आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ओवरऑल दोस्तों ऑडियो एंड साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ही इंप्रेसिव किया, साथ ही साथ इसमें HDR 10 का सपोर्ट है। यहाँ पे आप लोग देखें जो वीडियो है बहुत ही अच्छा रन करता है, और देखने में बहुत ही पंची कलर्स इसमें लगते हैं, एमोलेड डिस्प्ले भी इस पे आता है, तो मैंने देखा था वीडियोग्राफी में। और यहाँ पे जो साउंड है, स्पीकर का डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट है, ओवरऑल अगर देखा जाए मल्टीमीडिया फंक्शंस में ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा काम करता है। अब गाइस यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलता है, और फेस अनलॉक का भी सपोर्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आप चेकआउट कर लो, बहुत ही फास्ट ऑन होता है, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, और यहाँ पे जो स्कैनर है थोड़ा नीचे है, आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे इसका क्वालिटी
आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब गाइस यहाँ पे फेस अनलॉक कैसा काम करता है ये भी देख लेते हैं, तो आप चेकआउट कर लो, देख सकते हो बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब एक बार टैप करना पड़ेगा उसके बाद ऑन होता है, तो काम बहुत ही अच्छा करता है। कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो स्विच है थोड़ा डाउन लगा है मुझे, थोड़ा ऊपर में होता तो अच्छा होता। वैसे जिनका हाथ छोटा है उनके लिए अच्छा है, और बड़े हैंड में जो यूज़ करते हो आपको थोड़ा दिक्कत इसमें होने वाला है। दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको डुअल 5G मोड देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट इसमें है, और वाइड 1L1 का भी सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। तो कोई भी दिक्कत आपको कनेक्टिविटी में देखने के लिए नहीं मिलने वाला। सो ओवरऑल गाइस मेरा जो ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में, स्मार्टफोन इन हैंड फीलिंग सबसे पहले बता दूं बहुत ही जबरदस्त है। मैंने जो स्मार्टफोन्स यूज किए थे और इसका जो इन हैंड फीलिंग्स है बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। और इसका डिस्प्ले, सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, यहां पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, साथ ही साथ यहां पे आपको एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है अच्छा काम करता है, और यहां पे कर्व एजेस भी बहुत ही कम दिए गए। इसका जो चिन्ह है आप देख सकते हो बहुत ही माइनर से चिन्ह है, यहां पे देखने के लिए चिन्ह नहीं मिलता, पूरा फुल व्यू है। और इसका जो ऊपर में आपको कॉर्नर वाला पंचोल मिलता है सेल्फी कैमरा, ये भी बहुत ही तगड़ा काम करता है। सो यहाँ पे डिजाइन, बिल, लुक, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, आप जो भी बोलो, इन सभी में ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही जबरदस्त रन करता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगा। प्राइस के हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस एक चीज मुझे इस स्मार्टफोन का बहुत ही खराब लगा है, इसमें 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है। और एक भी चीज है, यहाँ पे आपको दोस्तों डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट मिलता है, आप इससे दो सिम कार्ड यूज कर पाओगे या फिर एक सिम कार्ड एक चिप कार्ड यूज कर पाओगे। बस यही दोनों चीज मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज गाइस ये जो स्मार्टफोन है अपने ही प्राइस सेगमेंट में ये जो तगड़ा स्मार्टफोन है बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको डेली टू डेली लाइफ यूजेस में या फिर आप जो भी करो इससे, वीडियोग्राफी बोलो, गेमिंग बोलो, बहुत ही अच्छे से ये रन करता है। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस आपको बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। सो गाइस ये जो स्मार्टफोन है बिल्कुल 35K से 36K के अंदर आता है। मैं आपको ये स्मार्टफोन ऑब्वियसली रिकमेंड करता हूं, ये जो स्मार्टफोन है आप जरूर परचेस कर लेना। परचेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, और वहां से जाके परचेस करने पे आपको थोड़ा बहुत छूट भी मिल सकता है, जाके जरूर दोस्तों चेकआउट कर लेना। सो गाइस आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके मन में कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको कहीं पे भी अच्छा लगा है वीडियो पे एक लाइक मन से जरूर कर देना। और ये स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग आपको कैसा लगा, हम थोड़े नए तरीके से किए हैं, इससे पहले ऐसे नहीं किए थे। हमारा जो आगे वाला अनबॉक्सिंग था आप लोगों ने देखा थोड़ा अलग सा था, और ये अनबॉक्सिंग मैंने थोड़ी अलग तरीके से किया है। इसी बात पे गाइस वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है। सो गाइस चलिए आज के लिए फिलहाल यहां पे ही करते हैं वीडियो खत्म, मिलते हैं आपके साथ, मुलाकात होगा और भी एक नए अनबॉक्सिंग के अंदर, बहुत ही जल्दी मुलाकात होगा। सबका दिन शुभ रहे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।